सर्वे के चिन्ह यंत्र सब चिन्ह पढ़े हैं, यंत्र पढ़े हैं, ठीक है। अब सर्वे जो है अभी तक जो सर्वे किया गया है, कितना प्रकार का सर्वे किया गया है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। अब कैसे कैसे डेवलप किया, हॉक वस्त्र सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, कंडस्ट्रल सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे, ये चार प्रकार का अभी तक सर्वे किया गया है, ठीक है। पहले जान लेंगे थॉक वर्क सर्वे क्या है, ठीक है। थॉक वर्क सर्वे को किस प्रकार काम में लाया गया, ये कैसे स्टार्ट किया गया, लिखिएगा इसका। थॉक वर्क सर्वे देके डाइस मारिएगा, थॉक वस्त्र सर्वे देके डाइस मारिएगा, थॉक वस्त्र सर्वे देके डाइस मारिएगा। पहले इसको समझते हैं, देखिए अभी तक भारत में किसान के लिए जो किसान से के लिए जो जमीन से संबंध रखने वाले किसान के लिए यानी रैयत के लिए, रैयत मतलब होता है किसान, उसके लिए अभी तक चार प्रकार का सर्वे किया गया है। पहला सर्वे जो है तो स्टॉक वर्थ सर्वे, दूसरा रेवेन्यू, कंडस्ट्रल और रिविजनल सर्वे, ये चार प्रकार के सर्वे किया गया है और सब जो है ये बारी बारी से डेवलप किया गया है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ा है समय, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग और कुछ ना कुछ नया ऐड करते गया है, ठीक है। इसको जानेंगे। तो पहला है थॉक वर्थ सर्वे, तो थॉक वर्थ सर्वे के बारे में लिखिए, आंसर लिखा थॉक वर्थ सर्वे जो है ना, थॉक वर्थ सर्वे ये जो है इसका कोई समझिए तो काम हुआ नहीं, क्या हुआ देखिए सुनिए। हॉक वस्त्र सर्वे एक ऐसा सर्वे है जो एक वस्त्र पे यानी वस्त्र मतलब कपड़ा पे, वो नगर के अनुसार जो नगर था ना उसके अनुसार उसको क्या किया, नक्शा वहां पे बना दिए यानी चित्र, यानी जैसे जैसे नक्शा था ना नगर का, उसके अनुसार वो क्या किए, नक्शा बना दिए। और नक्शा बनाने के बाद वहां पे जो सरहद लाइन होता है ना, हर राजा का अपना अपना क्या एरिया रहता था, अपना प्रांत रहता था, तो उसको क्या किया, वो सरहद लाइन वहां पे क्या कायम कर दिया, सरहद लाइन कायम कर दिया। और इस ये जो था ना एक प्रकार से ये फर्जी नक्शा था, इसका यूज नहीं किया गया, नहीं ये तरीका अपनाया गया, नहीं ये इसका यूज किया गया, नहीं तरीका अपनाया गया। ये जो काम किए थे अकबर, एक उनके दरबार में नवरत्न में से एक रत्न थे टोडरमल, उसके सहायता से ये किए थे। और ये जो है 1561 ईस्वी में हुआ। तो सर्वे के जो है प्रथम जो है ना, प्रथम स्टार्टिंग जो है ना यहां से हुआ है, समझ गए। अकबर राजस्व विभाग का एक पदाधिकारी समझिए टोडरमल को, जो अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो उसी की सहायता से फर्स्ट बार सर्वे किया गया, उसका यूज नहीं किया गया, वो एक प्रकार से फर्जी था, उसका तरीका भी नहीं अपनाया गया, सिर्फ अपने सुविधा के लिए अकबर सिर्फ अपने सुविधा के लिए वो क्या किए, नगर का एक नक्शा बनवाए, अपने बाउंड्री लाइन यानी सरहद, अपने सरहद उसमें क्या क्या दर्शाए, जिससे उसको ये समझ में अपने प्रांत को समझने में आसानी हो, समझ गए। इसका तरीका अपनाया नहीं गया, यानी जब किसान अपनाएंगे उसके बाद ही वो माना जाएगा ना, वो तो खुद अपने सुविधा के लिए किए, कुछ इसका यूज नहीं हुआ, इसलिए इसको फर्जी नक्शा भी कहा जाता है। ये फर्जी नक्शा था, इसका जो है तरीका है अपनाया भी नहीं गया, ये नगर अनुसार और सरहद लाइन के अनुसार ही इसको क्या किया गया, एक कपड़ा पे उसको बना दिया गया, समझ गया। तो ये था थॉक वस्त्र सर्वे।